मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं बांसुरी बनाता हूँ लोहारी गेट के अंदर, ये अपना इस्लाम गली में मेरा मकान है, वहाँ मैं ये तैयार करता हूँ घर में खुद। तो अनारकली में फरोख्त करते हैं इसे, तो अरसा दराज हो गया, तकरीबन 22-21 साल हो गए इस काम को करते हुए। इस शोबे में पहले मैं मजदूरी करता था, मोल्डिंग का काम, उसके बाद आस्ते आस्ते मेले वेले में बेचने शुरू कर दी। तो जब इसमें थोड़ा सा पैसे मिलने हुए कि मजदूरी से ये अच्छी है, तो इस तरीके से लगातार इसको काम शुरू किया। फिर महंगा होता गया, तो आस्ते आस्ते फिर मैंने सोचा कि इतना पैसा मैं नहीं शूट कर सकता, तो आप बनाना शुरू की इसको। इस काम को करने के लिए सबसे पहले बांस लाना पड़ता है, फिर उसको काटते हैं, फिर उसमें फरमे डालते हैं, सुराख करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको पॉलिश वगैरह करके फिर लेके जाते हैं। इसमें सिर्फ कागज़ी बांस इस्तेमाल होता है। बांस आता है यहाँ, तो पाकिस्तान में जो है मिलता है फैसलाबाद से, वैसे ये ढाका से आता है। पहले आज से 30 साल पीछे तो 1200 रुपये कीमत थी इसकी, अब 18000 रुपये कीमत है। तो उसी हिसाब से बांसुरी की कीमत भी ऊपर आ गई। इसके फरमे बनाए गए हमने, तो उस हिसाब से उसमें निशान लगा देते हैं, उधर उस निशानों पे हम सुराख निकालते हैं। 6 सुराख होते हैं सुर के लिए, और 7वां सुराख जो होता है वो हवा के लिए होता है। 9 बजे अपने काम पे बैठ जाता हूँ। एक दिन में अगर बाज़ार का काम करें तो 100 पीस, और अगर अपना सेल करने के लिए करें तो 24, 28, 30 इतने पीस बनते हैं। ये चाकू है, इससे हम चौकी करते हैं, मुंह काटते हैं और तराशते हैं। ये रेती से लकड़ी गोल करते हैं, और ये रेती जो सी है ये चौकी के लिए काम पे आती है, जहाँ पत्ता बनते हैं बनाते हैं उसका फिनिशिंग करने के लिए रगड़ते हैं इसे। ये फिनिशिंग करने के लिए है बारीक, ये औजार हैं। ये जो है लैलून की डोरी है, इसको लपेट के ना खूबसूरती पैदा कर देते हैं, और एक मजबूती हो जाती है कि गिरे तो टूटे ना। ये जो है साइड है, ये मुश्किल है थोड़ी सी, ये आसान है। ये 125 रुपए की है, ये 250 रुपए की है, क्योंकि ये है चौथा काला, ये है पहला सफेद। सुरों के हिसाब से इसकी कीमत है। इसमें 6 है ना, FGFDCBAG, जी से लेकर जी तक। ये जी एक होता है पिकलो, जैसे अपना कोयल बोलती है ना, ऐसे एक पीस होता है छोटा सा, वो कोयल बजाने के लिए होता है। म्यूजिक के तो आजकल तो हर किसी में इस्तेमाल हो रहा है बांसुरी का। हाँ, मैंने बांसुरी बजाना खादिम खान अदील साहब से सीखा। मेरा एक बेटा है जो कि फरोख्त करता है बाजार में, मैं बनाता हूँ वो फरोख्त करता है। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है, मैं यहाँ 25 साल से यहाँ पे सेल कर रहे हैं नारकली चौक। मैं मिनिमम यहाँ पे आता हूँ दोपहर को 1 बजे और रात 10 बजे तक यहीं पे होता हूँ। बच्चे से लेके बड़ा तक, जवान बूढ़ा, हर कोई आता है बांसुरी लेने। मेरे पास 20 रुपये से लेके 6000 रुपये तक फ्लूट है इसमें। 22 रुपये दोनों फील्ड के लोग ज़्यादा आते हैं, शौकीन भी आते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्री के लोग वो भी ज़्यादा आते हैं। जिस तरह इंडस्ट्री में हैं अपना बाकिर साहब हैं, साथ पप्पू हैं, खादम हुसैन ऐतरी साहब हैं, साहब नुशाद साहब हैं, ये जो अहम शख्सियात है पाकिस्तान के फ्लूट प्ले, जो बैकग्राउंड इंडस्ट्री में मेजू आजकल दे रहे हैं, ये ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा शौकीन भी बहुत हैं, और कई लोग ऐसे भी आते हैं देखते हैं कि क्या ये बांस है, आप इतने प्राइसेस बता रहे हैं, इस तरह भी बीच में लोग आ जाते हैं। काशिफ रजा नाम मेरा, और मैं फ्रॉम पारा चिनार हूँ।
और एनसीए का स्टूडेंट हूँ, फिल्म एंड टीवी के डिपार्टमेंट का। ये अखरोट वाली बांसुरी है, तो सीनियर्स कहते हैं कि ये अच्छी बजती है अखरोट वाली, तो यही लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, यही लेके आते हैं।